गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के नरेशन की बात की थी, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आज हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन की बात करते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑफ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इंट्रोगेटिव वर्ड्स। जो सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्दों से आरंभ होते हैं उन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसके नरेशन की बात करें, पहले रूल की बात करें, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को आर्ड माइनस पी, डिमांडेड माइनस पी या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। ये वही है, रिपोर्टिंग वर्ब का वही परिवर्तन है जो आपने सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखा था। रूल नंबर टू है कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ देते। इन्हें जोड़ने के लिए कामा तथा इन्वर्टेड कामा हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ देते हैं। जो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य प्रारंभ में रखा होता है वही नरेशन में कनेक्टिंग वर्ड का काम करने लगता है। नोट, इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करके वाक्य को अफर्मेटिव बना देते हैं। जब आप इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे तो फिर वो कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा। कनेक्टिंग वर्ड बन जाए मतलब कंजंक्शन बन जाएगा, तो फिर हमारा वाक्य अफर्मेटिव हो जाएगा। इसे नोट कर लें या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। रोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट
ये हो जाएगा रोहन आस्ड मी, क्या हो जाएगा, आप इंक्वायर्ड ऑफ और डिमांडेड माइनस पी, इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिमांडेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। रोहन आस्ड मी हु, मैंने बताया था जो कनेक्टिंग, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वही कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा। हु सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, आई वाज एंड व्हाट आई वांटेड, ये हो जाएगा इसका नरेशन। एक और सेंटेंस देख ले, राजू सेट सेट टू सरगम कामा इन्वर्टेड कामा में, वाई इज अनूप वीपिंग, तो ये हो जाएगा राजू आस्ड सरगम वाई अनूप वाज, अनूप थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अनूप वाज वीपिंग। आपने ये सेंटेंस देखा, रोहन सेड टू मी हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तो ये हो जाएगा रोहन आस्क्ड मी हु आई वाज एंड व्हाट आई वांटेड, ये दूसरा सेंटेंस है। राजू सेड टू सरगम व्हाई इज अनूप वीपिंग, ये हो जाएगा राजू आस्क्ड सरगम व्हाई अनूप वाज वीपिंग। नोट कर ले, मैं एक डायलॉग की बात करूँगा। पहले इंटरमीडिएट के क्लासेस में बोर्ड एग्जाम में डायलॉग आया करते थे, अब तो खैर देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन हम देखते हैं। हरी सेट टू मोनू हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, मोनू सेट नो, हरी सेट व्हाई, मोनू सेट बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम। जनरली आप नो को रिप्लाइड इन निगेटिव कर सकते हैं और यस आए तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन जब डायलॉग हो तो उसे इस प्रकार से करेंगे। इसका नरेशन देखते हैं, आंसर देखेंगे, तो हो जाएगा हरी आस्क्ड मोनू इफ ही हैड डन सॉरी फिनिश्ड हिज वर्क, कुछ चीजें कॉम्प्लीमेंट वैसे जोड़ दिए जाएंगे, बट मोनू replied that he had not, इसे आप पूरा लिख सकते हैं, he had not finished his work भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना छोटा भी लिख सकते हैं। Further Hari asked why he had not, देन ये फर्दर बट देन ये सब अपनी तरफ से लगाया जाता है, जैसे जनरल में बात करते हैं हम लोग। देन मोनू रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट पूरा लिख सकते हैं, ही हैड नॉट फिनिश हिज वर्क बिकॉज
ही कुड नॉट गेट टाइम। ये रहा डायलॉग। आप लोग एक्सरसाइज करें, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करूंगा। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।